हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बडोलर पे आंशु। सो होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और आज हम अपनी एक्सेस को लेके आए हैं इतनी अच्छी जगह पीछे चर्च है। ऑलमोस्ट इसको 1 मंथ हो गया है, तो आज मैं आपके साथ अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक्सेस 125 BS6 कैसी है, फ्यूल इंजेक्शन मोटर वाली कैसी चलती है, कैसा मेरा ओपिनियन है। मैं पहले भी एक्सेस ओन कर चुका हूँ BS4 वाली, तो इसका क्या ओपिनियन है वो आज हम देखते हैं। मेरे साथ है शुभम और माधव मेरे फ्रेंड, और ये भी बताएंगे इन्होंने भी दोनों चलाई हैं, और इसका साइड बाय साइड एक कंपैरिजन करेंगे एंड टॉप के साथ। वैसे पहले मैंने करा हुआ है, वो वाली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आपको सामने से देखने को मिलेगी स्कूटी, प्रोफाइल सेम है, पहले वाली की सेम है, बस आगे आपको यहाँ पे LED सेटअप, ये लो बीम है और ये होगी अपनी हाई बीम नीचे, और यहाँ पे ये टॉप मॉडल BT वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे DRL मिल जाएंगे LED दोनों साइड, एंड इसके नीचे जितने भी वेरिएंट है उसमें हेलोजन बल्ब मिलेगा, और साथ में नीचे अलॉय व्हील विद अ डिस्क ब्रेक, रेसी का प्रोफाइलिंग है। ये नया कलर है ब्रोंज, और इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिजिटल मीटर, इसमें आपको साथ में BT पेयर मोड, इसकी पूरी ऐप आती है, इसमें आप नेविगेशन और इसमें सर्विस इंडिकेटर सारा आपको दिखा देगा ऐप में ही, और इससे आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके साइड बाय साइड नेविगेशन भी कर सकते हैं, सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। वो मैं आपको भी फोटो डाल दूंगा कैसे शो होता है, डेस्टिनेशन रीच आगे जाके टाइम ऊपर, और ट्रिप पे ट्रिप बी एंड बैटरी वोल्टेज एंड यहाँ पे ओडो, और इसमें ये आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगा विद अ 1 प्रेस स्टार्ट, और ये क्रोम इसमें मिरर मिल जाएंगे, और साइड से इसकी लुकिंग ऐसी है कुछ। अभी इसको 1 मंथ हो गया है पूरा, तो इसकी अभी सर्विस फर्स्ट सर्विस पेंडिंग है, वो भी कराएंगे, और एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप मिल जाएगा आपको। लेकिन इसमें मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है कि इसमें ये विद की ओपन होता है, इसमें नीचे आपको यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट इल्यूमिनेटेड इसमें लाइट जलती है, और चार्जिंग भी सही कर देता है, और यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेस, और यहाँ पे इसको हुक कुछ डालने के लिए, और ये पूरा अंदर का इंटीरियर जैसे ब्राउन ब्रोंज कलर है ना, तो इसका ये पूरा इंटीरियर ब्राउन आया, लाइट ब्राउन कलर का, ये BT वाला वेरिएंट है, और दूसरे कलर के हिसाब से अंदर एक स्किन कलर का भी आता है वाइट टाइप, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, और ये पूरी ब्राउन कलर की इसकी सीट है, और फ्यूल फिलिंग कैप आपको दिखा दी, ये ऐसे कुछ ये नॉर्मल बल्ब मिल जाएगा अंदर, LED नहीं है ये, और अब एक 2000 जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही लिया है न्यू ईयर पे, तो उसमें ऐसे ये वाली मैंने अब बिल्कुल न्यू ईयर पे ले ली थी, तो ये नॉर्मल है। जो 2022 वाला वेरिएंट आया, जो ये चेंजेस आते हैं ना सारे, ये 4-5 जनवरी के आसपास आते हैं, तो उसमें इन्होंने क्या करा है, जो ये एक्सेस 125 लिखा है ये ना थोड़ा अंदर मतलब 3D टाइप लुकिंग में दे दिया, ऊपर बॉडी के ही अंदर स्ट्रेच, और उसमें जो ये स्टैंड है अपना, उसमें जैसे ही स्टैंड आप लगाएंगे तो इंजन ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये मुझे थोड़ा लगा कि मैंने चलो थोड़ी जल्दी कर दी, बट कोई नहीं, इतना बड़ा फीचर नहीं है जो ज़्यादा सोचा जाए कि हमने मिस आउट कर दिया। और यहाँ पे इसका हेलमेट होल्डर टाइप, इसमें हेलमेट आप लगा सकते हैं, और अब इसकी बूट देख लेते हैं, इसमें एक मीडियम साइज फुल साइज हेलमेट भी आ जाएगा इजिली, इतनी कुछ बूट है। ठीक है, 8.7 PS की पावर, 10 NM का टॉक, जो पहले वाली के सेम ही है, चेंज नहीं हुआ है BS4 टू BS6 में कुछ, और मैं आपको इसका बताऊं, इसकी एक्सेलरेशन टॉप नोच है, कोई दिक्कत नहीं है। एनटॉक और एक्सेस की एक्सेलरेशन अगर 0 to 60 अगर हम करें तो एक्सेलरेशन में यही सबसे आगे है 125 से सेगमेंट में, एक्टिवा से भी कंपेयर कर लीजिए या एनटॉक से भी कर लीजिए, टॉप स्पीड वेरी कर सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसे ही एक्सेलरेशन है। तो टॉप स्पीड यार इतना मतलब स्कूटी में कौन ही जाएगा, मतलब 100, 200, 10 किलोमीटर पर, वो रिस्की हो जाता है थोड़ा, उसमें ना कंट्रोल भी थोड़ा लूज हो जाता है,
लेकिन एक्सेलरेशन की बात करें 60-80 दिस वन इज मोर इनफ और बहुत अच्छी एक्सेलरेशन, बहुत अच्छी पावर आपको इसमें मिलती है। बड़ी चीज इसमें मुझे जो अच्छी लगती है एंटॉक और एक्टिवा 125 से, एक्टिवा 125 बहुत साइलेंट है, बहुत ज़्यादा, उसकी एग्जॉस्ट में बिल्कुल भी मतलब साउंड नहीं करती, बहुत साइलेंट स्कूटी, जिसको साइलेंट चाहिए एक्टिवा 125 इज द मोस्ट साइलेंट स्कूटी मुझे जो लगती है। उसके बाद इसकी साउंड मुझे बहुत सुनने में ठीक, नॉर्मल, ना ज़्यादा ना कम, और एंटॉक की ना कुछ ज़्यादा ही मुझे उसका वो एक डिसएडवांटेज भी लगता है कि उसकी साउंड कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। जब मैंने टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी चलाई थी, आपने रिव्यू अगर कंपैरिजन वीडियो देखा हो, बहुत ज़्यादा जैसे ही मैं रेव कर रहा था बहुत ज़्यादा साउंड, तो वो बहुत अच्छी भी लगेगी, मुझे भी अच्छी लगती है, थोड़ी स्पोर्टी साउंड है, लेकिन 1-2 मंथ के बाद ना थोड़ी वो इरिटेटिंग भी साउंड करने लग जाती है। सुन लेते हैं एक बार रैप करके भी, इतना ज्यादा साउंड नहीं है, और इसकी भी ना बिल्कुल साइलेंट आवाज नहीं है, बिल्कुल थोड़ी तर मतलब थोड़ी अच्छी लगती है इसकी भी साउंड, इतनी भी इरिटेटिंग नहीं है, इरिटेटिंग मेरे को बिल्कुल नहीं लगती, थोड़ी बल्कि स्पोर्टी ही लगती है इसकी भी साउंड, इतनी बुरी नहीं है। और जो ये पूरा लाइटिंग सेटअप ना एक बार मैं आपको रात को दिखाऊंगा, बहुत जो ये DRL और जो LED का कॉम्बिनेशन जो बनता है ना वो बहुत बढ़िया। लाइक मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो बहुत साइलेंट हो गया इंजन पहले से थोड़ा, और स्मूथ काफी हो गई है पहले से, G6 सब लाइट में पिकअप सेम टू सेम वैसी पहले वाली एक्सेस का भी पिकअप जो था एक नंबर, उसका भी आप देखिए ऐसे, तो मैं विद मिलियन ड्राइव कर रहा हूं। लंबे का भी 60 चल रहा था पहले 60 मीटर, चीज इसकी मैं आपको बात कर रहा था, पेट्रोल के लिए चाबी डालनी पड़ेगी और ऐसे ये निकलता, मतलब जैसे पहले स्कूटर में आता था वैसे इन्होंने अभी दिया, खाने के लिए भी ऐसी की लगा के करना पड़ता है, और कभी कभी ये बहुत दिक्कत देता है, जैसे अभी ये लग नहीं रहा है, तो मैं इसको लगाता हूँ फिर आपकी लाइट का रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, पूरा आगे अंधेरा है, ये मैंने ऑन करी, विजिबिलिटी ओके है, अभी ये लो बीम है और ये गई हाई बीम सामने, और मीटर कुछ रात को ऐसा लगता है। इसमें आपको सारी जब आपका फ़ोन वगैरह आएगा यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी, और कोई सर्विस फॉल्ट हो गया स्कूटी में, कोई फॉल्ट होगा तो भी इसमें सारे इंडिकेशन है दोनों साइड यहाँ पे। लो बीम हाई बीम जो मैं आपको कह रहा था, रात को पूरी इल्यूमिनेटेड नीचे DRL और ऊपर LED का सेटअप, ये काफ़ी मस्त लगता है। रिव्यू होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारी फैमिली में आने के लिए, और अगर नहीं अच्छा लगा तो एक डिसलाइक कर देना, उससे मुझे पता लगेगा मेरी क्या मैंने मिस्टेक करी और क्या मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। आप कमेंट में प्लीज सजेस्ट करें, सपोर्ट करें प्लीज, बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की। होप यू लाइक शेयर सब्सक्राइब।